नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्षा ब्यूटी केयर में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वैदिक हेयर केयर रेंज के बारे में बात करने वाली हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर देना ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। सो दोस्तों ये है ये वैदिक्स की हेयर केयर प्रोडक्ट्स, और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये सेकंड किट परचेज की है। जी हाँ दोस्तों, मुझे अभी एक डेढ़ महीना हो चुका है इसे यूज करते हुए, काफी दिन हो गए हैं, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी, और मैं इसे पूरा ओपन नहीं करूंगी क्योंकि ऐसे ही गिर जाएगा और मेरा प्रोडक्ट जो वो टूट जाएगा। तो मैं इसे आराम से आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि मैंने वैदिक्स की वेबसाइट से परचेज किए थे। कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होंगे, और अंदर ये इस तरीके से वैदिक्स के एक बैग में आपको मिलते हैं सभी प्रोडक्ट्स। ये बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसे आप सफ़र में कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मुझे ऑयल मिला है, शैम्पू, और ये हेयर ग्रोथ सीरम, और ये है आंवला बूस्टर। आपको ये 4 का कॉम्बो नहीं मिलेगा, मैं आपको उसका रीज़न बता देती हूँ। मैंने जो प्रोडक्ट्स परचेज किए थे वो ये 3 चीज़ें थी जिसमें कि कॉम्बो बनाकर आपको देते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं कस्टमाइज हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वैदिक्स का शैम्पू, और ये है वैदिक्स का रूट स्टिमुलेटिंग हेयर ऑयल बर्बेरीज बनियन और वेतीवर के साथ आता है 100 ml की क्वान्टिटी में। साथ ही ये हेयर ग्रोथ सीरम, ये है विथन प्रो हेयर ग्रोथ सीरम है, ग्रेपसीड एलोवेरा प्लस बलूची के साथ आप मिलता है ये 50 ml की क्वांटिटी में, ड्रॉपर के साथ आता है, और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल वाटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑयली और ग्रीसी नहीं करेगा आपकी स्कैल्प को। आप देख सकते हो ये देखिए, मैं इसका एक आपको ये देखिए यहाँ पर टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल वाटरी है, और खुशबू इसकी बिल्कुल ऐसी है जैसी हर्बल चीज़ों की होती है। दोस्तों इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं हेयर ऑयल को अपने बालों में लगा लेती हूँ, रात भर इसे लगा रहने देती हूँ, और ये इस तरीके से नोजल के साथ आपको मिलता है। यहाँ पर आप इस नोजल में होल करके इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ये नोजल दी गई है, तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और ऑयल की खुशबू अच्छी है, पर्स में भी आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं, कैप इसकी काफ़ी अच्छी है, और 499 का ये ऑयल है। आई नो ये आपको थोड़े से कॉस्टली लग रहे होंगे, बट अगर आपको अपने बालों से प्यार है, वैसे भी तो हम इतनी सारी रेमेडीज़ ट्राई करते ही हैं तो उसमें भी तो खर्चा होता ही है, तो बेटर होगा आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मुझे सूट कर रहे हैं तो आपको भी करेंगे, सबके बालों की जो टाइप्स होती है वो भी अलग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑयल आपने बालों में लगा लेना है, उसके बाद शैम्पू से बालों को वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने लगाना है अपने बालों में ये हेयर ग्रोथ सीरम। दोस्तों इसके साथ ये जो आंवला बूस्टर है वो आप सोच रहे होंगे कि कैसे मिला है, मैं आपको बताऊँ ये जो आंवला बूस्टर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए दोस्तों, ये है वैदिक सिक्योरूट आंवला बूस्टर ऑयल फॉर थिक हेयर के लिए है ये, और क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी ही मिल रही है आपको, सिर्फ 10 ml की मिल रही है, और लेकिन ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बालों की थिकनेस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स कि आपको इसे रेगुलर यूज़ करना होगा, 3-4 महीने तक आप इसे यूज़ करेंगे तब जाके आपको इसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। और ये आंवला बूस्टर मैंने अलग से परचेज़ किया है, इसके लिए अलग से आपको 299 rupees जो है वो पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखिए इसका प्राइस, ये देखिए इसका प्राइस 299 rupees है इस आंवला बूस्टर का प्राइस, और डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर, आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आंवला बूस्टर है मैंने अलग से परचेज किया है, इस कॉम्बो के साथ मुझे ये नहीं मिला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि इस आंवला बूस्टर ऑयल को आपने कैसे यूज़ करना है, जो कि इन्होंने मुझे बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेयर ऑयल है, और इस आंवला बूस्टर को ये जो पूरी बॉटल है 10 ml की, मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था कि इस आंवला बूस्टर को आपने अपने हेयर ऑयल में अच्छे से मिक्स करके फिर लगाना है। अब देखिए ये कांच की बोतल है और बार बार इसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ इस पूरी बोतल को इसमें मिक्स करके रख लूँगी, ताकि क्योंकि ये जो कांच की बोतल है पता नहीं कब टूट जाए, तो ऐसा भी डर रहता है ये लगा हुआ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, अभी बच्चे भी हैं। तो खैर अब मैं इस ऑयल को इसमें मिक्स कर लूँगी। ऑयल की जो क्वांटिटी है ना गाइस, मुझे बहुत कम लगी है, मतलब सिर्फ इतना ऑयल इसमें आपको मिलता है, और ये देखिए
इतना ऑयल आपको इसमें मिल रहा है, एटलीस्ट 500 रुपये में यार पूरी बोतल तो भर के दे दो। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है बस, क्योंकि प्राइस वाइज भी और क्वांटिटी थोड़ी कम है मतलब। तो खैर कोई बात नहीं, अब 300 रुपये में सिर्फ ये 10 ml दे रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है गाइज़। तो मैं देखती हूँ अभी से 3-4 महीने तक इसे यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे कैसे यूज़ करना है और आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें ये पूरा ऑयल जो है वो मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बार बार इसे कैरी करना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बार बार संभाल कर रखना। तो ये देखिए मैंने इसमें इसे मिक्स कर दिया है, अब बिल्कुल भी ऑयल जो है वो नहीं बचा है, आप देख सकते हो। ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी बिल्कुल टाइट, इसे बंद करने के बाद। ये देखिए इसमें ऑयल की क्वांटिटी सिर्फ इतनी देते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है कि एटलीस्ट मतलब आप ऑयल दे रहे हो, वो भी 500 रुपये में आप तेल दे रहे हो, एटलीस्ट पूरी बॉटल तो भर के दो। कुछ कमियां हैं इसकी प्रोडक्ट में, बट पैकेजिंग अच्छी है इतनी प्राइस में, ठीक है पैकेजिंग। और शैम्पू की बॉटल थैंक गॉड पूरी भरी हुई है, फिल हुई है यहाँ तक, और सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसमें आंवला बूस्टर को मिक्स करके अच्छे से मिलाकर रख लिया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे बार बार ड्रॉपर की हेल्प से एक दो ड्रॉप करके इसे मिक्स करके नहीं लगाना होगा, और आपने इसे सिरप में नहीं लगाना है, ऑयल में ही मिक्स करके लगाना है, क्योंकि ये आंवला बूस्टर ऑयल है और ये भी ऑयल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसे अपने बालों में आपको लगा कर दिखाती हूँ। एक बात और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं होता हर्बल चीज़ें सभी को सूट कर जाएँ, और मुझे तो अभी तक सूट कर रही हैं प्रोडक्ट ये, और धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल भी कम हो रहा है। तो आगे कम होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, मतलब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है वैदिक्स अहूता रूट स्टिमुलेटिंग हेयर ऑयल, बेरबेरीज, बनियन, वेतिवर, ये सभी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो मौजूद है, 100 ml की क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से इसके आगे ये नोजल बनी हुई है, तो आप इसमें से भी ऑयल ले सकते हैं और इसके अंदर होल करके भी आप जो ऑयल है वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ, और ये देखिए ऐसे भी इसमें से ऑयल जो है वो निकल जाता है। और ये देखिए मैंने सारे बालों में अच्छे से रात को ही ऑयल लगा लिया था, रात को एक्चुअली थोड़ा हमारी लाइट वाइट गई हुई थी, थोड़ा लाइट इश्यू था, तो इस वजह से मैंने अभी ये डे टाइम में शूट की है वीडियो। तो ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी है, कैरी करने में भी बहुत ईजी है, और मैं आपको बताऊँगी मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बेबी हेयर भी आना स्टार्ट हो गए हैं जो आपने देखी होगी मेरी बालों की ग्रोथ। तो इस तरीके से आप अपनी सारी स्कैल्प में सारी रूट्स में इस ऑयल को अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपके पास रात को समय नहीं है तो आप डे टाइम में सुबह उठते ही जैसे फेस वॉश वगैरह करते हो सुबह 6 बजे 7 बजे, तो आप इसे लगा लीजिएगा। कोशिश कीजिए 2 से 3 घंटे आप इसे अपने बालों में लगा कर रखिएगा, ताकि इसके जो भी तत्व हैं जो इसका पोषण है वो अच्छे से आपके बालों में आ जाए, अच्छे से बालों में जो ऑयल है वो रम जाए। इसके तत्व आपको मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका असर जो है आपको बालों में दिखेगा। साथ ही मैंने जो आंवला बूस्टर परचेज किया था वो भी मैंने इसी में ही मिक्स कर दिया था, ताकि जो उन्होंने एक तरीका बताया था, क्योंकि ये कस्टमाइज हेयर ऑयल होते हैं तो उन्होंने तरीका यही बताया था। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जब हाईलाइट करवाए थे या जब रिबॉन्डिंग करवाई थी तो उससे 1 साल पहले भी मैं इसे यूज़ कर चुकी हूं। जी हाँ 2 साल पहले भी मैंने इसे यूज़ किया था, बस इसकी यही शर्त है कि आपको कॉन्टिन्यूसली इसे यूज़ करना होता है। दोस्तों ये है वैदिक्स का हेयर शैम्पू, जो कि हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है। तो ये शैम्पू जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये जो बॉटल है ना आपकी 1 महीना तो नहीं चल पाती है, क्योंकि अगर आप वीक में 2 या 3 बार भी बालों को वॉश करते हैं तब भी आपकी ये 1 महीना नहीं चलती है। तो मैं इसीलिए 1 साथ 2 बॉटल जो है वो परचेज कर लेती हूँ। हालांकि थोड़ा सा प्राइस भी आपको थोड़ा सा शायद कॉस्टली लगे, बट बाकी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो उसके हिसाब से ये काफ़ी सही है। तो यस ये है वैदिक्स कस्टमाइज आयुर्वेदा धावत हेयर फॉल शैम्पू, ये धावत धावत ही लिखा हुआ धावत धावत हेयर फॉल शैम्पू है ये, 100 ml की क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। वैसे शैम्पू की खास बात यह है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, और अगर आपका एक बार में ऑयल बालों से नहीं निकला है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी लगा सकते हैं, मतलब 2 बार भी यूज कर सकते हैं इसे। तो चलिए मैं बालों में शैम्पू करके आती हूँ और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ने देखा फ्रेंड्स मैंने अपने बालों में ऑयल भी लगा लिया है, शैम्पू भी कर लिया है, अब बाल थोड़े ड्राई भी हो गए हैं, तो मैं इस हेयर सीरम को अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लूंगी, और हल्के हाथों से यानी कि फिंगर टिप की हेल्प से मसाज करते जाइएगा, ताकि आपकी स्कैल्प में ये अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो लग जाए। तो चलिए मैं इसे लगा लेती हूँ।
तो यहाँ पर मेरे बाल जो है अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब मैं इस सीरम को अपने बालों में लगा लूँगी। यहाँ पर आप बेबी हेयर्स देख सकते हो, हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। 2 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। ग्लास बोतल में ये ड्रॉपर के साथ आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग में आपने इसे अल्टरनेट डे पर लगाना है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। जी हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आपने इसे अल्टरनेट डे पर लगाना है, और उसके बाद आपने इसे वीक में 2 बार लगाना है इस सीरम को। ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। और मैंने जैसा कि बताया फ्रेंड्स, कि चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। बस आपने ड्रॉपर के साथ ही स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए ओवरनाइट आपने लगा कर। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ ट्रस्ट करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं कोई रेमेडी आपको बताती हूँ तो वो भी यूज़ करके देखिएगा। रिजल्ट अच्छा होता है तभी मैं रेमेडी शेयर करती हूँ, नहीं अच्छा लगता है तो वो भी बता देती हूँ कि मत यूज़ करना। अगर अपने बालों की लेंथ की बात करूँ तो मेरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली भी ऑयल का साइज़ तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इतनी बॉटल मैं लगभग 1 महीने में 20-25 दिन में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो शैम्पू की बॉटल है वो आपको कम दिन में ही ख़त्म हो जाती है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस वाइज इन प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी कम दी गई है। मतलब 1 महीना ये बोलते हैं कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो 1 मंथ तक, लेकिन 1 मंथ तक ये यूज़ होते नहीं है, 1 मंथ से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ऑयल तो फिर भी आप चल गए, आपका कभी कभी मिस भी हो जाता है, हेयर रोलिंग नहीं भी कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। बट आप इसका हेयर ऑयल की बॉटल की साइज़ तो फिर भी थोड़ी ठीक लगी है। लेकिन जो शैम्पू है उसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप बारिश में भीग जाते हैं, धूल मिट्टी में कहीं अगर ऐसी जगह काम करते हैं, तो आपको हेयर वॉश जो है वीक में 4 बार भी करना पड़ सकता है। और नॉर्मली हम 3 दिन तो करते ही हैं हफ्ते में शैम्पू, मैं भी 3 दिन ही करती हूँ, 3 बार मैं मतलब शैम्पू करती हूँ वीक में। तो ऐसे में शैम्पू की जो क्वांटिटी है वो मुझे कम लगी है। ये है पंप स्टाइल बॉटल में आपको शैम्पू मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, कि वैदिक्स की ये जो आपको प्रोडक्ट है वैदिक्स की वेबसाइट पर ही मिलेंगे, वहीं से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी इसे वेबसाइट से ही खरीदा है वैदिक्स की। और ये कस्टमाइज प्रोडक्ट देते हैं आपको आपकी हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंगली, या कुछ सवालों के जवाब, मतलब नॉर्मली जो भी सवाल होते हैं कि आपकी हेयर टाइप्स कैसी है, हेयर टेक्सचर कैसा है, हेयर फॉल कितना हो रहा है, आपकी स्किन कैसी है, स्कैल्प कैसी है, तो ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है, फिल करना होता है एक फॉर्म। उसके बाद ये आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट आपकी हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंगली आपको सेंड करते हैं, और जल्दी ही आपको मिल जाएगा, 3 से 4 दिनों में मिल जाती है आपको ये प्रोडक्ट। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सर्विस इनकी अच्छी है काफ़ी। हेयर फॉल ये कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ रातों रात असर नहीं करती है, चमत्कार नहीं होते है। चमत्कार तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कोई चमत्कार नहीं होता है। अभी चमत्कार की उम्मीद मत करना, जैसे कि ये कहते हैं रैपुंजल जैसे बाल हो जाएंगे, ऐसे वैसे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ हद तक ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है, मेरा भी इसने हेयर फॉल कंट्रोल किया है काफ़ी हद तक, और एकदम से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और आपको इसे रेगुलर यूज़ करना होगा, कंटिन्यूसली अगर आप इसे यूज़ करेंगे तभी इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपने 1 महीना यूज़ करा और उसके बाद आप पूछे हाँ हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। लगातार 3 महीने 4 महीने तक आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। मैं अगर अपनी हेयर ग्रोथ की बात करूँ तो यस, मेरे बेबी हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैंने जब हाईलाइट वगैरह कराई थी, रिबॉन्डिंग कराई थी ना 2 साल पहले, तो हाँ 2 साल पहले जब शायद मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, पता नहीं साल भर पहले, तब मैं इसे यूज़ करती थी। तब भी मैंने 2-3 महीने तक, आई थिंक 3-4 महीने तक शायद मैंने इसे यूज़ किया था, काफ़ी टाइम पहले भी मैंने इसे यूज़ किया है, तब भी मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिले थे। आपके बाल जो है वो भारी होने लगते हैं, मोटे घने होने लगते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसका इतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर देना ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए। और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर आप मेरे एक्टिंग और डांस के, स्किन केयर के, हेयर केयर के, मेकअप के, बहुत सारे फैशन से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो, DIY चीज़ों की वीडियोस देख सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोज और हिप्पी पर भी मैं आपसे मिलती हूँ और ज़्यादा हेल्पफुल सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।